उत्तराखंड के धारचूला में बादल फटने से बड़ा हादसा। धारचूला में बादल फटने से 200 लोगों की जान खतरे में। धारचूला में बादल फटने से 60 जानवर बहे, तहस नहस हुआ गांव। सड़कों पर जमा मलबा और बोल्डर, 200 गांव की आवाजाही बंद। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड के धारचूला में बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ है। दारमा घाटी के चलगांव में बादल फटने से पैदल पुल और ट्राली ध्वस्त हो गई है। 200 से ज्यादा लोग गांव में फंस गए हैं। मौके पर SDRF और पुलिस प्रशासन रवाना हो गई, लेकिन आपको बता दें दोबाटा में सड़क बंद होने से रेस्क्यू के लिए जा रही पुलिस प्रशासन और SDRF की टीम भी फंस गई। बताया जा रहा है कि आज ये बद्रीनाथ में फिर से लैंडस्लाइड हो गया, जिसकी वजह से छिनका के नजदीक नेशनल हाईवे बाधित हो गया है, जिसकी वजह से कई यात्री फंसे हुए हैं और आवाजाही रोक दी गई है। बारिश ने पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा कर रखा है। बिहार से लेकर केरल तक आसमानी आफत ने तबाही मचा रखी है, लेकिन परेशानी यही खत्म नहीं होने वाली। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक 7 राज्यों में जमकर बारिश होगी, यानी इन राज्यों के लोग जल प्रहार के लिए तैयार रहें। सड़कों पर सैलाब, उफान पर नदियां, पहाड़ों में मानसून का रौद्र रूप और मैदानी इलाकों में दहशत के बादल जमकर कहर बरपा रहे हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक देश के कई राज्यों में इस वक्त भारी बारिश हो रही है। बता दें भारी भरकम बारिश का ये दौर अभी आने वाले दिनों में और परेशानी लेकर आ सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि आने वाले कुछ दिनों में देश के 7 राज्यों में जमकर बारिश होगी। इसमें हिमाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तराखंड में आने वाले घंटों में भारी बारिश का अंदेशा जताया है। दिल्ली NCR में भी भारी बारिश का अनुमान है। केरल में भी भारी बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। केरल में कोझीकोड में भारी बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतों में तेजी से इजाफा हुआ है। शहरी इलाकों के साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में भी सड़कें लबालब नजर आ रही हैं। मौसम विभाग ने केरल के इडुक्की, मल्लापुरम, कोझीकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहीं कहीं तेज से अधिक तेज वर्षा होने की भी आशंका जताई है। भारी बारिश के अलर्ट की वजह से केरल के 11 जिलों में स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। मानसून का शुरुआती साइड इफेक्ट यूपी में भी नजर आने लगा है। हालांकि यूपी में अभी मानसून पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन मानसून के शुरुआती रुझानों ने ये जरूर साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में यूपी में भी तस्वीर बदलने वाली है। नोएडा और गाजियाबाद में हुई बारिश ने ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।